वेलकम, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। हम सभी शांति के गुण को गहराई से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आज हम जो बात करेंगे, इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। शांति एक ऐसा गुण है, अगर हमारे पास शांति का गुण विशेष रूप से है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे पोटेंशियल से बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीस के बिना आप कभी अपने शांति के गुण के बिना कभी भी आप अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। उसका कारण बताऊंगा मैं आज आपको। आप सब अपने अपने आप को देखिए, आप बहुत ध्यान से एक मिनट के लिए ना सब लिखना करना बंद कर दो, सामने देखो, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको सिर्फ थिंकिंग करना है, आपको सोचना है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि ये देखो, शांति का जो गुण है ना वो स्पीकिंग का गुण नहीं है, नाम ही है शांति, वो रियलाइजेशन का गुण है, एक्सपीरियंस का गुण है। समझ रहे हो मेरी बात? शांति की जो स्टेट है वो समझने से ज्यादा अनुभव करने की चीज है। लेकिन हाँ, शुरुआत समझने से ही होगी, परंतु मैं आपको इसको डिफरेंट वे से समझाने का प्रयास करूंगा, अनुभव करा के, ताकि आप इसकी अनुभूति को अंडरस्टैंड कर सके। आप सभी थोड़ी देर के लिए बस केवल अपने आप पे ध्यान से सोचो। क्या सोचना है आपको? ये सोचना है कि मैं अपना जो 24 आवर्स दिन का जीती हूं, सोचना इसको, मैं आउटर इंफॉर्मेशन के बेस पर जीवन को कितना जीती हूं, कितना परसेंट, और मैं खुद की इनर कॉन्शियसनेस से अवेयर्ड होकर कितनी देर तक जीती हूं, इन दोनों का रेशियो क्या है। अगले एक मिनट तक आप सब बिल्कुल साइलेंस हो जाएं, अंदर से मन को भी शांत करें, बिल्कुल स्थिर हो जाएं, कुछ ना सोचें, आंखें बंद करके सोचना चाहते हैं तो वो सोचें, लेकिन ये देखें कि मैं दिन भर जो जीवन जीती हूं उस जीवन में मैं खुद की अवेयर्ड कॉन्शियसनेस के साथ कितनी देर जीती हूं, और बाहर से जो कुछ मेरे पास आता रहता है आंखों से, कानों से, पढ़कर, सुनकर, सोचकर, पास्ट प्रेजेंट सबके बारे में, उससे मेरा जीवन में कितनी देर जीती हूं। जस्ट थिंक, अनुभव करें, अपनी आंखें बंद करके सोच के देखें, अपनी लाइफ को सोचें, बहुत ध्यान से सोचें, दोनों टाइमिंग्स का परसेंटेज सोचें, मेरा ज्यादातर समय किस में जा रहा है, मैं खुद के साथ कॉन्शियसली कितनी देर कनेक्टेड हूं। सोच पाए आप? अब मैं थोड़ा सा और इसको एक स्टेप आगे लेके, अभी ऐसे सोचो, आपके जीवन में कोई समस्या आई है तो समस्या के समाधान के लिए आप पहले, आपकी नजर कहां जाती है, बाहर या अंदर? अंदर जाती है, ये सच नहीं है, जिनकी जाती है उनकी जाती है, लेकिन आप ध्यान से देख लो इस बात, जैसे ही प्रॉब्लम कोई आती है आप उसके समाधान के लिए पहले किसी को ढूंढना शुरू कर देते हैं बाहर, बिना विचार करे हो, तभी हम समस्या से डरते हैं। समस्या आई, अरे अब क्या होगा, जैसे ये मना ना, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि मुझे ये भरोसा नहीं है कि इसका सलूशन मेरे अंदर है, मेरे को लगता है मैं अब किससे पूछूं, किससे बात करूं, किसे कॉल करूं, किसके पास जाऊं, कहां समाधान मिलेगा इसका, करते हैं नहीं करते। जैसे ही समस्या आती है जीवन में, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि समस्या आने के बाद बैठकर उसके ऊपर चिंतन और रियलाइजेशन करते हैं कि अब करना क्या है, वो बल्कि समस्या आई और तुरंत ढूंढते हैं कि अब क्या करना होगा, और करना होगा माना बाहर,
वो ये कभी नहीं सोचते कि अंदर तुम्हें इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है तो बाहर तुम ठीक कैसे करोगे। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, यदि आप अंदर से डिस्टर्ब हो गए, समस्या आई, देखो छोटी मोटी समस्या में हो सकता है कि कोई कोई अंदर भी सोचो तो अच्छा ये हो जाएगी, उसे पहले से अनुभव हो। आपको जब किसी समस्या का अनुभव होता है तो आप डिस्टर्ब होते नहीं हो क्योंकि पहले आ चुकी है। लेकिन अचानक से जब कोई नई समस्या आती है तब देखो अपनी मन की स्थिति को कि तब वो सोल्यूशन अंदर में ढूंढकर अंदर की तैयारी से कोशिश करता है या वो बाहर से कोशिश करता है कि कोई आकर के मुझे समाधान बताए, अब मुझे कहां जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सच क्या है, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हम में सब 90% कहां देखते हैं? और यही चीज ये बताता है कि हम सेल्फ से कभी कनेक्टेड ही नहीं रहते, और यही बताता है कि हमें सेल्फ के कंप्लीट पोटेंशियल का पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम में कितनी शक्ति है। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी अपनी, जब भी समस्या आई तो अपनी शक्ति के बारे में विश्वास नहीं किया, हमने सदा दूसरों की शक्तियों पर विश्वास किया। मैं और छोटी बात बताता हूं जिससे आपको और थोड़ा समझा लगे। आप एक बात देखो, मतलब मैं भी ऐसा ही था, धीरे धीरे समझ में आने शुरू। हम कोई छोटी सी चीज भी खरीदने जाते हैं ना, उसके अप्रूवल के लिए भी किसी को ढूंढते हैं। कोई कपड़ा भी खरीद के लाएंगे ना तो पूछेंगे ठीक है ना, प्राइस ठीक मिला है ना, ये जब महंगा तो नहीं ले लिया मैंने, कर मतलब रहता है नहीं रहता। छोटी छोटी चीजें, मतलब बड़ी की तो बात छोड़ दो, आप घर गाड़ी और सब तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना मैं गलती कर दूं मैं कहीं महंगा ना ले आऊं, मैं कहीं ऐसा ना कराऊं। बहुत छोटी सी बात, हर चीज को चुनने में हमें किसी का सहारा चाहिए। क्यों हमारी सबकी डिसीजन पावर कमजोर हुई? क्योंकि हमने गलत निर्णय लेने से बचना शुरू किया। हमको लगा कहीं निर्णय गलत ना हो जाए, पूछ लो किससे। निर्णय उनके ताकतवर बनते हैं जो गलत और सही की परवाह करे बगैर पहले निर्णय लेते हैं और उसके बाद उस पर काम करके उसे सही साबित करने की मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्णय लेने सोच विचार मत करो, लेकिन खुद करो ना। जब आप 10 बार गलत निर्णय लोगे तभी 11वीं बार आप सही निर्णय लोगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, हम सोचते हैं, एक्चुअली हमें आदत पड़ जाती है। कैसा पड़ जाती है? बचपन में मम्मी पापा निर्णय लेते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो टीचर निर्णय लेते हैं या दोस्त निर्णय लेते हैं, उससे बड़े होते हैं उनकी शादी हो जाती है तो उनकी बीवियां निर्णय लेती हैं, वे खुद निर्णय नहीं लेते, या बीवियों का निर्णय हस्बैंड लेते हैं। मतलब आपस में एक्सचेंज है वो, किसी जिसमें जो जो पावरफुल हो जाए, जिसका डोमिनेशन हो जाए वो निर्णय लेते हैं। तो सारी जिंदगी हमारे निर्णय कोई और ही लेते हैं। आप उठा के देखो, बुढ़ापे में चले जाते हैं तो उनके निर्णय बच्चे लेते हैं, ठीक। मतलब सब उल्टी गंगा बहती है। मतलब बुढ़ापे में व्यक्ति में मैच्योरिटी ज्यादा है, उसको निर्णय लेने में ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, तो वहां निर्णय बच्चे लेना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों को निर्णय लेना चाहिए था, वहां पर बच्चे निर्णय नहीं लेते, वहां पर माँ बाप उनके निर्णय लेते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। एक सेकंड बस होल्ड करना पड़ा। आज हम इसी बात को समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है, मैं आज लिख लो, आज एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जीवन में किसी को सही से ना परख पाना शांति की शक्ति की कमी है। जीवन में सही से निर्णय ना ले पाना शांति की शक्ति की कमी है। ये पीसलेसनेस की स्टेज है। कंफ्यूज होना पीसलेसनेस की कमी है, डरना पीसलेसनेस की कमी है। क्योंकि जब आप में पीस की कमी होती है तो साथ साथ आपका पेशेंस भी चला जाता है। जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता उसका मन कभी धैर्यवान भी नहीं होता। समझ रहे आप मेरी बात? मैं बहुत गहरी कनेक्टिविटी करने वाला हूं आज, थोड़ा ध्यान से सुनना। और वैसे भी क्योंकि अब अगले 2 दिन क्लास नहीं है, ठीक है, और कल सुबह अमृत वेला भी नहीं है, मुरली क्लास भी शायद लेट होगी क्योंकि मुझे सुबह ही जाना है, 4:45 बजे हमें निकलना है। इसलिए अभी से बता देता हूँ जो पढ़ने भाई बहन है, बाकी ग्रुप पे भी डाल दिया जाएगा।
कल सुबह अमृत वेला भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें 4:30 बजे तो घर से निकलना ही होगा, है ना, हमें पहुंचना है, तो उसके हिसाब से फिर हम सुबह सुबह निकलेंगे, तो इसलिए कल सुबह का वो नहीं रह पाएगा। तो मुरली भी हम शायद दिन में सुनाने का प्रयास करेंगे वाराणसी पहुंचने के बाद। सो ये अंडरस्टैंड करना है ना, तो बेसिक चीज को समझना है यहाँ पे लेकर के। तो आज जो चीज बताने वाला हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत ही कमाल की चीज है। मैंने जब जब इसकी प्रैक्टिस करी है बहुत आनंद आता है अंदर से ना अपने आप आंसर आते हैं आपको, पता है आपको इस शक्ति को जगाने के बाद ना आपको एक बहुत ब्यूटीफुल अनुभूति होगी। और देखो मैं आपको एहसास भी कराता हूँ, आप इसे रियलाइज भी करोगे। आप खुद सोच के देखना कभी भी, जितने भी लोग हमें क्या सिखाया जाता है, पढ़ाई करनी है तो शांति से करो, क्या बोलते हैं, शांत जगह में पढ़ो, ऐसे ही बोलते हैं ना सब। शांति की शक्ति समझा रहा हूं मैं आपको, मतलब शांति होती है तो बुद्धि तेज काम करती है, शांति होती है तो हमारी रिमेम्बरेंस पावर, मेमोरी पावर बढ़ जाती है, कहते हैं ना, दुनिया के साथ बता रहा हूं। अभी आप राजयोग भूल जाओ, आप धर्म की बात भूल जाओ, आप जनरल टॉक करो, जनरल टॉक दुनिया के हिसाब से टॉक करो, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा आप कभी भी देखना घर में भी अगर कुछ झगड़ा वगड़ा सा हो जाएगा, बोलेगा अब शांत हो गया, बहुत हो गया, अब शांत, थोड़ी शांति करो। इसका मतलब शांति के समय पर अच्छा लगता है, पीस जो है वो आपको गुडनेस की फीलिंग देती है, जो शांति है वो आपको किसकी फीलिंग देती है, है ना, गुडनेस की फीलिंग देती है आपको। तो ये अंडरस्टैंड करना है आपको सबसे पहले। उसके अलावा आप देखो, आप भी जब आपका मन शांत होता है, एक है कि आपके विचार बहुत तेज तेज भाग रहे होते हैं, एक है कि आपके विचार बड़े आराम से चल रहे होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई अंदर में डर के विचार नहीं होते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं होता, चेक करो सब थोड़ी देर के लिए, रियलाइज करो इन चीजों को, क्योंकि रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गुण की ताकत को आप तभी समझ पाओगे जब आप रियलाइजेशन के मोड पर रहोगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे जो मैं समझाना चाहता हूं। मैंने जब इसको महसूस किया कि शांति शक्ति काम कैसे करती, तो अब मैं आपको उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करूंगा। मैंने थोड़ा सा आज अपने अनुभव को लिखने का प्रयास किया जो मैंने सीखा है, तो ये कैसे आपके पास काम करती है, ये अनुभव की बात होती है, ये अनुभूति से समझी जाती है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा प्रकृति की नेचर से अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया, जिससे आप समझ पाओगे। देखो ध्यान से, सभी ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है, हम सब जानते हैं कि लेट से कि कोई भी बीज है, अगर सपोज करो ये एक बीज है, इट्स अ सीड, हिंदी में बीज कहते हैं, ठीक, एक सीड है। हम इस बात को जानते हैं कि इस सीड के अंदर ही, इसके अंदर ही फूल भी है और इसके अंदर ही फल भी है, दोनों इस बीज के अंदर है, हाँ या ना, है या नहीं है। जो भी बीज है उसका फूल भी और उसका फल भी उसके अंदर है, लेकिन लेकिन छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सोल है, मतलब मैं आत्मा हूं, मेरा पूरा पोटेंशियल, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से, जो चाहिए इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए। हम सब जानते हैं इस धरती का हर काम 7 गुण और 8 शक्तियों से होता है, और वो सब के सब सोल में इनबिल्ट है, अंदर ही है, उसमें है। लेकिन सवाल क्या आता है, जैसे सीड होता है, सीड में फूल और फल दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, पर ये बाहर कैसे आते हैं, ये बाहर ऐसे आते हैं, यहाँ पे जमीन है, आप जमीन में इस बीज को रोप देते हो, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, जब हम बीज को रोप देते हैं तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर यहां से अगर आप देखोगे तो सनलाइट पड़ती है, सन की गर्मी पड़ती है, ठीक, जमीन से हमारे पास इसमें इसको जल भी दिया जाता है, है ना, वाटर का वो दिया जाता है, इन सब की मदद से धीरे धीरे करके ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है, एक प्लांट का रूप लेना स्टार्ट कर देता है, इसकी जड़ें फैलना शुरू कर जाती है, यहाँ पे अंदर ये जड़ें फैलना शुरू होती है और धीरे 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 यहाँ से ये एक प्लांट का रूप लेना स्टार्ट कर देता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पत्ते और टाल टालियां और ये सब चीजें आप मान लो इस तरीके से इसके ऊपर चीजें आनी शुरू हो जाती, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद इसके ऊपर फिर फूल आना शुरू हो जाता है, फूल से फिर हमारे पास में कोई ना कोई फ्रूट भी आना स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ इसके अंदर था,
लेकिन अगर इसे इस सन की गर्माहट ना मिलती, अंदर से ये शीतलता ना मिलती, तो कभी भी ये ना तो तने में कन्वर्ट होता, मतलब ना तो ये हमें वुड दे पाता, लकड़ी जो हमको देता है वो भी नहीं दे पाता, ना ये हमें कोई फूल दे पाता और ना ही ये हमें कोई फल दे पाता। कहने का अर्थ ये था कि इसका पोटेंशियल जो था वो किसी काम का नहीं था, किसके बिना, इसके बिना। तो ये जो धूप है ना, बेसिकली जो इसके पोटेंशियल को बाहर निकलने में सदा सपोर्ट करती है, यही है वो साइलेंस। जब शांति की शक्ति होती है ना, तो जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है उसका रियलाइजेशन बढ़ जाता है। ज्ञान का रियलाइजेशन बढ़ जाता है। जब तक साइलेंस की शक्ति नहीं होती तो ज्ञान का रियलाइजेशन नहीं बढ़ता है, ज्ञान रियलाइज नहीं होता है। और हम गलती क्या काम करते हैं, हम अपने को एज ए ह्यूमन बीइंग इस रूप से देखते रहते हैं कि बस जितना हो सकता भरते रहो, इस ब्रेन को हम भरते रहते हैं बाहर की इंफॉर्मेशन से, बस दे दनादन दे दनादन दे दनादन, जितनी हो सकती है डालते जाओ बस हर तरफ से इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि इस बीज को ग्रो होने का टाइम ही नहीं मिलता। मतलब समझना यहाँ पे, इसका मैं मतलब समझाता हूँ। यदि जरूरत से ज्यादा चीजें हो जाएंगी बीज के साथ भी, जरूरत से ज्यादा गर्मी हो जाए, जरूरत से ज्यादा पानी चला जाए उसके लिए, तो भी वो बीज फल और फूल कुछ नहीं देगा। इसीलिए जरूरत से ज्यादा साइलेंस भी क्या करता है, डिप्रेशन, आदमी निराश हो जाता है उस केस के अंदर। साइलेंस का मतलब चुप होना नहीं होता है, इसको भी समझना है, अंडरस्टैंड करना है। साइलेंस का मतलब चुप होना नहीं है, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, किसी कुछ बताएंगे नहीं, उसे शांति नहीं कहते हैं, इसको समझना है ध्यान से। साइलेंस का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा जो इस बीज की शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करे, इसको समझना है अब ध्यान से यहां पे। इसीलिए जो ट्रू साइलेंस होता है, ध्यान समझिएगा, जो ट्रू साइलेंस होता है उसे हम इंट्रोवर्टेडनेस कहते हैं। इंट्रोवर्टेडनेस इसका मतलब समझिए अंतर्मुखता, अंतर्मुखता मतलब जो ये आपका बाहर का मुंह है इसे अंदर की ओर ले जाओ, जो ये बाहर देख रहा है इसे बाहर की बजाय अंदर की दुनिया दिखाओ। Who you are exactly? आप कौन हो वास्तव में, आप कितनी शक्तियों के स्वामी हो वास्तव में। अपनी शक्तियों को रियल में आइडेंटिफाई करवाने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा बाहर की बजाय, ये समझना पहली बात है। तो अंतर्मुखता का मतलब भी मौन नहीं है, मौन मदद करता है अंतर्मुखता बनने में, लेकिन मौन अंतर्मुखता नहीं है, अंतर्मुखता नहीं है। ये लोगों के बहुत बड़े कंफ्यूजन है, कुछ लोग सोचते हैं मौन रहेंगे तो हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, नहीं नहीं, मौन से अंतर्मुखी नहीं होंगे, बल्कि साइलेंसिंग दी माइंड से होंगे। लिख लो आप, साइलेंसिंग दी माइंड। और साइलेंसिंग दी माइंड का मतलब समझिए आप, जो थॉट में हलचल है, जो थॉट्स में हलचल है, उस थॉट्स की हलचल को शांत करना है, थॉट्स की हलचल की काउंसलिंग करनी है, हलचल की काउंसलिंग करनी है, ये जरूरी है। तब जाके मैं उस शांति की शक्ति तक पहुंचूंगी जिस शांति की शक्ति को मैं पा, तब मेरी शांति शक्ति में कन्वर्ट होगी, तब मेरे विचार शक्तिशाली बनेंगे, अदरवाइज ये विचार उलझ जाएंगे। जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये उलझने शुरू हो जाएंगे हलचल, और इनकी हलचल का कारण क्या हो रहा होगा, जो हम पहले से कितनी बार पढ़ते आ रहे हैं, अटैचमेंट इनकी हलचल का कारण होगा और एक्सपेक्टेशन। इन दो केसेस में ही आपके विचारों की संख्या हाईएस्ट हो जाती है, आपके विचार केवल इन दो चीजों के कारण से बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें बड़ी गहरी सी बात है, इसको समझना है साइलेंसिंग से, कि अटैचमेंट हो या एक्सपेक्टेशन हो, ये दोनों ही चीजों का, बहुत ध्यान से सुनना आप, इन दोनों के विचार क्यों ज्यादा होते हैं, विचार ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपना कंफर्ट चाहते हैं, हम ये सोचते हैं दूसरे मेरे कंफर्ट के लिए बनाए गए हैं,
उनको मुझे मैं इनका अटैचमेंट है मेरे को इनसे, तो इसलिए इनको मेरा काम करना चाहिए। मतलब हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम मेरा इतना काम नहीं कर सकते। मतलब मोह का उस पर लगाम कसी और अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी कराने की उम्मीद रखी, तो दोनों तरफ से फंस गए हम। और यहां से ये फंसने से क्या होगा, हम बार बार क्या चाहते हैं, हमें कुछ ना करना पड़े, हमारे लिए कोई सेकंड पर्सन जिससे मेरा अटैचमेंट है वो मेरे लिए सब कुछ करे, या जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो सब कुछ करे, वो सब कुछ लर्न करे और मैं सिर्फ अर्न करूं। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके केस में हम अपने निर्णयों से भी बचते रहते हैं, हम अपनी वर्किंग से भी बचते रहते हैं, और इसी चीज के कारण से हमारे अंदर अशांति का थॉट प्रोसेस जनरेट होता है। समझ में आ रही है मेरी बात थोड़ी सी? हाँ, क्लियर हो रही है? कुछ नहीं, कुछ पूछना है यहां तक की बात में? क्योंकि इसमें मैं अभी और आगे जाऊंगा। तो जो सीड है उसको अगर जगाना है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसके पोटेंशियल को जगाने के लिए हमें इन दोनों चीजों को, और याद रखना इस बात को, को बाहर नहीं लाएंगे, बल्कि साइलेंसिंग करने से, जब आप शांति में बैठेंगे तब आप रियलाइज कर पाएंगे कि आपका एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है। होता क्या है, जब आप शांत नहीं होते हो ना तो आप दूसरों से मुलाकात करते हो, खुद से नहीं, पर जब आप शांत होते हो ना तो आप खुद से मुलाकात करते हो, दूसरों से नहीं। आप अपना माइंड चेक करो, आपके माइंड पर पूरे टाइम दूसरे लोग ही बैठे हुए हैं, या तो दूसरे लोग बैठे हुए हैं आपके माइंड पर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, या तो दूसरे लोग बैठे हुए हैं आपके माइंड पर, या दूसरों के टैलेंट बैठे हुए हैं आपके माइंड के ऊपर, या दूसरों की नॉलेज बैठी हुई है आपके माइंड के ऊपर, या दूसरों के अचीवमेंट बैठे हुए हैं आपके माइंड के ऊपर। आपका माइंड दूसरों से ही इन्फ्लुएंस्ड है, और जब वो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड है तो वो खुद को हमेशा क्या करेगा, क्रिटिसाइज, खुद को वो कभी अच्छा नहीं समझेगा। और ये याद रखिएगा, जो खुद को अच्छा नहीं समझ सकता, जो खुद को अच्छा नहीं समझता, इसीलिए उसे दूसरा भी अच्छा नहीं समझ सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे खुद को अच्छा समझना पड़ेगा। और उसके लिए एक बात और ध्यान रखिएगा, हम सब ने सुन रखा है, मैं आपको जो बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसलिए ऐसे एग्जाम्पल कोट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वे आपकी आंखों के सामने घटित हुए हो और उनको देखकर आप रियलाइज कर सके। एक और एग्जांपल देता हूं, हम सबने सुना है कि जब पानी शांत हो जाता है तो उसके तले में जो कुछ भी होता है क्लियर दिखता है, हाँ या ना? आप सबने स्विमिंग पूल के अंदर भी देखा होगा ऐसा, जब स्विमिंग पूल को देखते हैं अगर पानी बिल्कुल एकदम साफ होता है और मतलब शांत हो जाता है तो उसके अंदर की पूरी गंदगी स्पष्ट दिखाई देती है, हाँ या ना? और समुद्र के लिए कहते हैं जब समुद्र शांत हो जाएगा तो उसके अंदर के हम रत्नों तक आराम से पहुंच पाएंगे। और गहरा जल कैसा होता है, क्या कहते हैं, जो गहरा जल होता है वो शांत होता है, कहते हैं ना, कहते हैं जो गहरा जल होता है जितना गहरा होता जाता है उतना ही वो शांत होता चला जाता है। इसका मतलब जितनी हमें डेप्थ आती चली जाएगी उतने ही हम अंदर से शांत होते जाएंगे, या जितने हम शांत होते चले जाएंगे उतनी हमें गहराई आती चली जाएगी। ये बहुत गहरा गुण है, शांति का गुण इतना गहरा है। और पता है, शांति का, जो व्यक्ति शांति की शक्ति को एक बार पालेगा ना, वो जिंदगी में डिप्रेस ही नहीं हो सकता, उसे कोई अंदर से हिला ही नहीं सकता। और याद रखना, कुछ बोलते हैं नहीं नहीं वो बड़े शांत रहते हैं, कहां से, यहां से, यहां से नहीं। जो लोग, ध्यान समझिएगा, जो लोग इस मुंह से शांत हो जाते हैं वे लोग तनाव और डिप्रेशन में जाते हैं, और जो लोग यहां से शांत होना जानते हैं वो जिंदगी भर कभी तनाव में नहीं जाते, चाहे वो कितना ही बोले। आप देखो मैं खूब बोलता हूं, दिन भर बोलता ही रहता हूं, पर मैं यहां से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूं, है ना, मेरी ये अंदर वाले बड़ा शांत एकदम, कोई गर्मी नहीं है इसमें। अब आप बताओ कौन सा अच्छा है, और जितना मैं बोलता हूं उतना दूसरों को भी शांत करता हूं, तो इसलिए मेरे बोलने से कोई अशांत नहीं होता। मेरी आवाज किसी को, मैं आवाज को कैसे बनाने ध्यान देता हूं, मेरी आवाज लोगों को शोर नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? शोर कौन सी आवाज लगती है, जिसमें प्रेरणा ना हो, जिसमें ज्ञान रतन ना हो, जिसमें लॉजिक ना हो, जिनमें अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस हो,
जिनमें मैं-मैंपन घुसा बैठा हो, मैं बस मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा घुसा बैठा हो, ऐसे शब्द लोगों को बहुत जल्दी से क्या कर देते हैं, आवाज कर देते हैं, बोर कर देते हैं। लेकिन जब आपके मुख से प्योर ज्ञान रतन निकलेंगे तो लोग आपको ऐसे सुनते ही रहेंगे, आप कितनी देर बोलते रहे। मैं आपको अभी अपना एक अनुभव मधुबन वाला सुनाता हूं। हमारे पीछे मधुबन गए थे, शायद इसमें वो उनमें से कोई ना कोई हो भी जो हमारे साथ मधुबन गए थे, ऐसा कोई है? हम ग्रेटर नोएडा से गए थे, इनमें से कोई नहीं है, पूजा बहन वगैरह थे उसमें। हाँ, रीना, रीना बहन थी क्या? नहीं नहीं नहीं, रीना बहन भी नहीं थी। भट्टी में जब गए थे अभी, आप बाबा से मिलने गए, मानसरोवर की भट्टी में थे? नहीं, मानसरोवर की भट्टी, अच्छा नहीं, जो हम अभी मानसरोवर की भट्टी में गए थे जिसमें पूजा बहन वगैरह सब गए थे, उसमें शायद नहीं थे आप, उसमें नहीं थे। तो उस भट्टी में हुआ क्या, जब हम गए तो ट्रेन में किसी ने ज्ञान सुनाने के लिए मेरे को छेड़ दिया कि भाई ठीक है कोई बात आ गई, और शुरू हो गई। पता है मैं अपने डब्बे में गया ही नहीं, हम गरीब रथ ट्रेन से गए थे, सुबह 9:15 बजे बैठे ट्रेन के अंदर, और हमने करीब 9:30-10 बजे के आसपास से ज्ञान चर्चा शुरू करी, और शाम आबू रोड आ गया। कितने घंटे होते हैं दिल्ली से आबू रोड जाने में? 12-13 घंटे लगते हैं। शायद उस पूरे 12-13 घंटे में मैं एक आध घंटे चुप रहा हूं तो रहा हूं, वरना तो कंटिन्यू, और सबके सब कंटिन्यू सुनते भी रहे, और लोग भी इकट्ठे हो गए, 20-25-30 लोग थे, सबके सब वहीं बैठ गए, कोई अपनी सीटों पर नहीं गया, जो सोना चाहते थे वो सोए नहीं, और पूरे दिन ज्ञान की चर्चा चलती है, और सबको इतना आनंद आया कि वहां जाके भट्टी सब ने खूब एंजॉय किया। तो मैं सोच रहा था लोग किसी को 10 मिनट नहीं सुनते, हम 12-12 घंटे तक बोलते रहे और लोग सुनते भी रहे। कहने का अर्थ क्या है, जब आप वो बोलोगे जिसकी भूख लोगों को है, याद करिए मेरा 6 पॉइंट फिर से। पहला पॉइंट क्या था, टीचर, टीचर बनो तो ऐसा बनो, मम्मा कहती थी अच्छा टीचर वो जो एक अच्छा स्टूडेंट हो, जो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता वो कभी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट था उसके अंदर, बी अ गुड सेल्समैन। सेल्समैन कौन होता है, जो दूसरों की सही जरूरत को परख कर पूरा करने में मदद करता है, क्वालिटी के साथ, क्वालिटी के साथ। इस वर्ड को याद रखना, अच्छा सेल्समैन वो है ना जो कपड़ा कचरा नहीं बेचता है, क्वालिटी बेचता है। तो दोनों चीजें थी, हम नीड को समझ भी रहे थे कोई हमसे क्या सुनना चाहता है, और हम वो चीज दे भी रहे थे। तो क्या हो रहा था, दोनों नीड पूरी होने से लगातार सबका क्या क्रिएट होता रहा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट से क्या हुआ, मतलब वो पूरा ट्रेन का डब्बा एक ऐसा माहौल बन गया जैसे सेंटर ही वहां स्थापित हो गया, ठीक। और सब कहते अरे कितनी एनर्जी है, कितना बोलते रहते। अच्छा मुझे तो पता ही चला था कि मेरे कितनी एनर्जी और कितना बोलना है, रूटीन बन जाता है वो चीज करते करते। तो अब आप सोचो, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं नहीं 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 साइलेंस में बैठना चाहिए, साइलेंस में योग करना चाहिए। कुछ लोग साइलेंस में बैठ के नींद करते हैं योग की वजह, योग तो कोई करता नहीं, ऐसे साइलेंस का क्या फायदा जिसमें आप नींद के झटके कर रहे हो। योग मेडिटेशन का अर्थ होता है प्रिपेयर योर माइंड, प्रिपेयर योर माइंड, एम्पावरिंग योर माइंड, अपने माइंड को एम्पावर्ड करना, प्योरिफाई योर माइंड। ये तीन मुख्य लक्ष्य होते हैं मेडिटेशन के। राजयोगा का मुख्य लक्ष्य यह है कि मन के ऊपर संपूर्ण रूप से आपका अधिकार हो, आपकी कर्मेंद्रियों पर आपका संपूर्ण रूप से अधिकार, और वो बिना शांति के पॉसिबल नहीं हो सकता। शांति की स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ और बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा, पहली बात तो हमें लर्न करनी पड़ेगी आर्ट कॉन्शियस साइलेंस की, कॉन्शियसली हमको साइलेंस होना सीखना पड़ेगा। साइलेंस के बिना कभी भी क्या क्या चीजें होती हैं, हमें इसको पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए वर्किंग को। चलिए मैं थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के रूप में इस वर्किंग को मैंने लिख लिया था, वही आपको बता देता हूं। दो तरह के फ्लो चार्टिंग करूंगा मैं आपको इसके लिए, तो इसको आपको दोनों बातों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करो, साइलेंस लिख लो, साइलेंस की शक्ति क्या करती है, पहले इसके वर्किंग पैटर्न को समझेंगे। ये क्या काम करती है, आपको सबसे पहले डीपली पेनेट्रेशन सिखाती है, आपको
डीपली खुद के साथ कनेक्ट करती है, डीपली कनेक्ट विद द सेल्फ, डीपली कनेक्ट विद द सेल्फ, क्योंकि आप बाहर के शोर से मुक्त हो रहे हो, दूसरों की आवाजों में नहीं जा रहे हो, अंदर की बात सुन रहे हो। सो डीपली कनेक्ट विद द सेल्फ, बेसिकली डीपली पेनेट्रेशन कहते हैं इसको। अंदर जाइए, अंदर अपने आप से मुलाकात कीजिए। एक बात याद रखना, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, क्या कहते हैं स्वयं से जब आप स्वयं से बातें करते हैं। दुनिया से बात करते समय क्या कह रहे हैं मैटर नहीं करता, जब आप खुद अकेले में बैठे हो, जब खुद से बात कर रहे हो, तो आप कैसी बातें करते हो अपने आप से, नेगेटिव बातें करते हो, पॉजिटिव बातें करते हो, अपने आप के बारे में अच्छी बातें करते हो, अपने आप के बारे में बुरी बातें करते हो, यही बताएगा कि आप अपने गुणों के साथ कनेक्ट कर रहे हो या अवगुणों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सो डीपली पेनेट्रेशन इसमें होता है। जब डीपली कनेक्ट होते हो तो आप जागरूक रहते हो, अवेयर्ड रहते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलता जा रहा हूं, इन सब बातों को, स्टेपों को रियलाइज करना बैठ करके, यही मेडिटेशन है। अगर आपने इन बातों को चिंतन से समझ लिया तो आप समझ लेना आप कभी घबराएंगे नहीं किसी सिचुएशन में, तो आप जागरूक रहेंगे पहली बार, ठीक है, यू विल बी अवेकन्ड। जैसे ही आप अवेकन्ड रहोगे तो आपका पोटेंशियल इमर्ज होना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल इमर्ज होने लगेगा, जो आपकी शक्तियां हैं वो जागने लगेंगी, शक्तियां जागने लगेंगी आपकी। आप में सारी शक्तियां हैं इनबिल्ट, आप वो बीज हो जिसमें सभी शक्तियां भगवान ने डाल के भेजी हैं। आपको किसी से धरती पर कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान ने आपको संपूर्ण संपन्न बना के भेजा है। बस फर्क इतना है, क्योंकि आप खुद से कभी मुलाकात करते ही नहीं हो, बाहर की डिपेंडेंसी के कारण से अपनी आत्मशक्तियां जागृत नहीं होती। तो यहां पर जब आप जागरूक जीना शुरू करते हो तो आपकी शक्तियां जागना शुरू कर जाती है। जब शक्तियां जागृत होती शुरू होती है तो फिर क्या होना स्टार्ट होगा आपको, नाउ यू गेट इंस्पिरेशन, अब आप प्रेरणा से भर जाओगे। आप लगेगा यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये अंदर की शांति साथ में आपको विश्वास आना स्टार्ट हो जाएगा, यू गेट कॉन्फिडेंस। और इस इंस्पिरेशन से परिणाम के रूप में अब आपको रिजल्ट में फल भी मिलेंगे और फूल भी मिलेंगे। फल फूल का मतलब क्या है, सफलता भी मिलेगी और रिकॉग्निशन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और रिकॉग्निशन, मान सम्मान भी मिलेगा अब आपको संसार में, समझो। सो ये साइलेंस से होगा, क्योंकि एक बात याद करिए, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको, फोर काइंड का इंटेलिजेंस बताया था, तो फोर काइंड इंटेलिजेंस में एक इंटेलिजेंस बताया था मैंने आपको, इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस। और मैं बताया था कि ये वो इंटेलिजेंस होता है जिसमें मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा होती है, दुनिया की सब रिसर्च डिस्कवरी इसी से हुई है। तो जितना जितना आप साइलेंस को समझते जाते हो, माइंड के थॉट्स को साइलेंस करने की नॉलेज इस्तेमाल करते चले जाते हो, उतना उतना आपका ये इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जागता चला जाता है, और उसी की वजह से ये सारे स्टेप आपकी जिंदगी में घटित होने शुरू हो जाते हैं, और फिर जो परिणाम आप चाहते हो वही परिणाम आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, जो भी आप चाहते। क्योंकि हर ईश्वर ने, जैसे दुनिया के माता पिता अपने दो बच्चों में कोई अंतर नहीं करते, याद रख लेना परमपिता परमात्मा ने भी किसी आत्मा में कोई अंतर नहीं किया है, क्योंकि उस पिता के पास अंतर का संस्कार ही नहीं है। हम सब बराबर हैं, बिल्कुल बराबर, हर गुण में, हर शक्ति में, बस फर्क इतना है उसने एक चीज लगा दी कि जागरूक वो कर पाएगा जो अपने आप के साथ कनेक्ट होना सीख लेगा। इसे ही मेडिटेशन कहते हैं, टू कनेक्ट विद द सेल्फ, टू एक्सपीरियंस द सेल्फ। ये समझना। अब एक ये चार्ट आपको समझ में आएगा। अब मैं दूसरा एक और आगे जा रहा हूं, समझ आई यहां तक की बात, अब आगे चलते हैं। यही साइलेंस से और क्या चीज होगी, जैसे ही आप साइलेंस होते हो तुरंत स्पेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। साइलेंस क्रिएट द स्पेस, शांत होते ही जितने और डिस्टरबेंस होते हैं वो शांत हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। याद रखना, साइलेंस क्या करता है, आपका शांत होते होते आपके सब थॉट, आपके सब कर्म, आपकी टू डू लिस्ट, आपके एक्शंस अलाइन होने शुरू हो जाते हैं, वो लाइन में आने शुरू हो जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज ठीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको समझ में आने शुरू हो जाती है पहले क्या करूं, फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। कैसे,
जैसे कि शांत जल में नीचे पड़े हुए रतन भी दिखाई देते हैं और नीचे पड़ी हुई गंदगी भी दिखाई देती है। ऐसे जब आपका मन शांत होता है तो आपकी वीकनेसेस भी आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं और आपकी शक्तियां भी आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये पावर होती है साइलेंस की। अब समझिएगा इसमें, तो साइलेंस क्या करता है, क्रिएट स्पेस, ये स्थान पैदा करता है, स्पेस पैदा करता है आपके अंदर में। बहुत गहरी बात है ये, स्थान पैदा करता है। जो आपको लग रहा है ना, देखो जब मन अशांत होता है तूफान उठा रहता है मन में, चीजें कम होंगी, जैसे आपके कमरे के अंदर चीज मतलब वो धूल पड़ी है, आपके कमरे के अंदर धूल पड़ी, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बहुत गहरी बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे समझो आप सब, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपका एक रूम है, रूम में नीचे धूल है, नीचे धूल है, लेकिन रूम आपको क्लियर दिख रहा है, धूल नीचे जमीन पे। अभी आपने पंखा कूलर चला दो उस धूल के ऊपर, पूरा कमरा धूल 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 से भर जाएगा, नहीं भर जाएगा, कहीं कुछ स्पेस दिखाई देगा आपको, नहीं ना। लेकिन अभी आप सोचो, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, आपने सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, सब शांत कर दिया, शांत करते ही धूल फिर से क्या हो जाएगी, सेटल डाउन, और उसी कमरे में फिर से क्या क्रिएट हो जाएगा, स्पेस, और उस कमरे में बाकी रखी हुई चीजें आपको कैसे दिखनी शुरू हो जाएंगी, स्पष्ट, कहां धूल है दिखेगी, कहां आपकी तस्वीर टंगी हुई है वो दिखाई देगी, कहां कौन सी वॉल पे कौन सा कलर दिखाई देगा, पर्दा कहां दिखाई देगा, सीट कहां कहां दिखाई देगी। एम आई करेक्ट और नॉट, समझ पा रहे हैं आप, मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि आपने देखा हुआ एग्जांपल होगा। ठीक वैसे ही माइंड में जो थॉट्स हैं, जब उनमें बहुत हलचल क्रिएट, और हलचल कौन क्रिएट करता है, आपका डर, लिख लो आप, हलचल कौन क्रिएट करता है, आपका डर, आपकी चिंता, आपका कंफ्यूजन, ये सारी चीजें अंदर में क्या पैदा कर देती हैं, बैठे हुए थॉट में उछल पैदा कर, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, ऐसा होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कभी होगा नहीं होगा, मुझे वो मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब तो मैं आबाद हो जाऊंगा, क्या शुरू कर दिया, बैठे हुए थॉट्स में एक डर के कारण से हमने उन संभावनाओं को इमेजिन करना शुरू कर दिया जिनकी कोई पता भी नहीं है कि वे हैं भी या। फियर की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, कौन बताएगा मुझे, क्या बताई थी मैंने फियर की डेफिनेशन, पीछे नहीं देखना है, देखांसी पीछे पलट रही है। ये फायदा होता है वीडियो खोलने वालों का, मैं पकड़ लेता हूं उनको, क्या करने है, कहां उनकी नजरें घूम रही है। हाँ हर्षा बहन, क्या बताया था फियर की डेफिनेशन, फॉल्स एविडेंसेस अपीयर रियल। हाँ, फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, ऐसे हम मान रहे हैं, वो सबूत मान रहे हैं जो हमें रियल लग रहे हैं, जबकि उनका पता भी नहीं है कि वे कभी होंगे भी या नहीं होंगे। आप अपने डरों की लिस्ट बना लो, जितने भी जिंदगी में डर आए हो आज तक, देख लो कितने हैपन हुए। हम जब घर से निकलते हैं सोचते हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी हुआ है 90% टाइम तो नहीं हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं अरे बाहर खड़ी है, कोई कोई गाड़ी ऐसा ना कर जाए, कोई वैसा ना कर जाए, हुआ है कभी, कितनी चीजें, बच्चा तैयारी कर सकता है कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं इसमें ऐसा ना हो जाए, कहीं हुआ है ऐसा। और वो डर डर के जो थॉट क्रिएट किए थे, जो बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट क्रिएट किए थे, जो हलचल पैदा करी थी, जो नुकसान खुद का किया था, उसका अंदाजा है आपको, आया समझ में आया ना। तो ये डर का पंखा, चिंता का पंखा, कूलर, ये सब चलाना बंद कर दोगे तो अंदर भी धूल उड़नी बंद हो जाएगी, और ये जो धूल उड़ती है ये क्या कर देती है, फिर आपको आपके पोटेंशियल से दूर कर देती है। समझ आई मेरी बात। तो स्पेस क्रिएट करता है साइलेंस, जैसे ही शांत होते हैं कूलर पंखे शांत किए, धूल शांत हो गई, ऐसा याद रहेगा आपको, ऐसे ही आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे लिख लो आप, डर एक कूलर है या चिंता एक एसी है, जो जो लिखना है लिख लो, ऐसी चीजें लिखो बड़े मजेदार तरीके से ज्ञान को, है ना। जब भी आप में हलचल होनी शुरू हो तो सोच लो अभी कूलर पंखे ज्यादा चल रहे हैं, इनको रोको, है ना, उनको रोकोगे धूल शांत होगी, आंखों की धूल छटेगी, ज्ञान की क्लैरिटी आनी शुरू होगी, चीजें स्पष्ट दिखनी शुरू होंगी और प्रायोरिटी सेट करने में मदद मिलेगी। नाउ लेट्स, तो क्या होगा, ऐसा क्रिएट स्पेस, पहली बात आपको स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होने से क्या होगा, साइलेंस ही, जैसे स्पेस क्रिएट होगा, ये साइलेंस की शक्ति से फिर माइंड को ऑक्सीजन जाएगी, ये माइंड को O2 देगा, माइंड को ऑक्सीजन देगा, है ना। माइंड को ऑक्सीजन देने का मतलब क्या है,
जब मन को स्पेस मिलेगा, डर से खत्म होंगे, शांत होगा, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल्स। पता है हमारी हर सेल में ऑक्सीजन की ऑक्टेट होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब उसके अंदर पोल्यूशन जाता है तो होता क्या है, जैसे सपोज ये मेरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये मेरे अंदर ऑक्सीजन है और इसकी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही इस ऑक्टेट पे जाकर के, अब इसे मान लो कि ये मेरा स्पिरिचुअल ऑक्सीजन है जो मेरे माइंड में है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर डर नाम का एक फ्री रेडिकल अटैक होता है, फ्री रेडिकल अटैक या पॉल्यूशन अटैक कर लो, वायरस अटैक कर लो, तो वो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देता है, और जैसे ही किसी ऑक्सीजन की ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 7 रह जाते हैं, वो खुद जहर बन जाता है। यही कारण होता है कि डर का एक विचार देते हो आप, वो एक विचार जाके बाकी सभी विचारों में डर पैदा कर देता है, एक विचार, क्योंकि वो क्या करता है, डर का विचार जाकर के पहले वाले ऑक्सीजन की एक ऑक्टेट बाहर कर देता है, फिर अब इसका साथ देने वाला ये दूसरा विचार हो गया, अब ये दोनों मिलकर के तीसरे वाले के पास जाते हैं, उसकी भी ऑक्टेट से एक को बाहर कर देते हैं, फिर जब इससे बाहर था अब ये 3 मिल जाते हैं, फिर ये चौथे वाले विचार को, और फिर आदमी हर काम में डर, ये चिंता, अब नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, डिप्रेशन, निराशा, ये सब शुरू हो जाती है कहानी उसकी जिंदगी में। ऐसा सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं आप सबको, ऐसा ही होता है नहीं होता, ये अनुभव की बात है, आप सोच कर देखना इस चीज को। तो क्या होगा, माइंड आपका O2 करेगा, और जब ऑक्सीजन मिलेगी तो इससे आपकी जिंदगी में एक न्यू एनर्जी यानी कि न्यू लाइफ क्रिएट हो जाएगी, न्यू लाइफ क्रिएट, एक नई जिंदगी आ जाएगी, जब हमारे विचारों में एक ताकत आ जाएगी, और ये मिलकर के, ये तीनों स्टेप मिलकर के, ये सारा मिलकर के जो प्रोसेस है, ये क्या देगा आपको, पावर और स्ट्रेंथ। आप चेक कर लेना कभी, जिसके मन में स्पेस होता है, तसल्ली से सोच पाता है, ऑक्सीजन रहती है, बेसिकली नए विचार आ जाते हैं, एनर्जेटिक विचार होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो अंदर में ताकत भी महसूस करते हैं और शक्ति। ये हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको ठीक करने के लिए एक बात आपको अपने से याद रखनी पड़ेगी, हर कोई हमें अभी तो केवल फील कर रहा है, तो उससे हमें बचना है, और अपने माइंड को शांत करने की हमें प्रक्रिया को सीखना पड़ेगा। जितना जितना हम शांत होते जाएंगे, साइलेंस में होते जाएंगे, उतनी स्ट्रेंथ भी आती जाएगी, और सोल जो है खुद को हील भी करती जाएगी, उसका हीलिंग भी बढ़ता चला जाएगा। जी हर्षा बहन, पूछना है। जी भाई जी, जैसे मतलब ये हम करते हैं वैसे थॉट्स की क्लीनिंग, या तो मतलब ऐसा क्यों लगता है कि वो जो सॉल्व हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि हमारे पास मतलब उत्तर नहीं होता हर एक थॉट का, ना उसी टाइम पे नहीं होता मतलब, तो उस टाइम कभी कभी मतलब उससे डर सा भी लगता है कि मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं तो। बिल्कुल सही बात, अब देखो इसको समझो, अब यहीं पे अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्या करें, यहाँ पे ही हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करना पड़ता है, भगवान इसलिए तो दिया हमें इंटेलेक्ट, कि हमें जो नॉलेज का जो गुण दिया आत्मा के अंदर वो क्यों दिया। आप एक बात प्रैक्टिकली सोचो, जब हम संसार में हैं तो क्या सारे काम हमें आ सकते हैं, आपको ये सोचना चाहिए, टीचर भी मैं ही बन जाऊं, वकील भी मैं ही बन जाऊं, डॉक्टर भी मैं ही बन जाऊं, इंजीनियर भी मैं ही बन जाऊं, और जितने भी का जज भी मैं ही बन जाऊं, जो कुछ भी होते हैं सारे प्रोफेशन मुझे ही आ जाए, ये भी बिल्कुल वैसी ही बात है। आपको ये सोचना चाहिए कि सपोज करो कोई चीज है जो मुझे नहीं आ रही है, तो होना चाहिए कुछ ना कुछ मुझे नहीं आना चाहिए, ताकि मैं किसी और से रिलेशन बनाना सीखूं, किसी और के पास जाना सीखूं, किसी और से बात करना सीखूं, और कहीं और से सोल्यूशन लेना सीखूं, क्योंकि मेरा कर्म का सिद्धांत बंधा हुआ है। मैं क्या सोचता हूं कि सपोज मुझे कोई चीज ऐसी आ गई और मुझे नहीं आती है, इट्स ओके, मुझे ही तो नहीं आती है, पर दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जिसको आती होगी, या तो मैं वहां पर पैसे देके सीख लूंगा, या तो मैं उस व्यक्ति, अगर वो मुझे फ्री में सिखाएगा तो मैं फ्री में सीख लूंगा, कहीं ना कहीं मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। जब आप इस विश्वास को अंदर ले लेते हो, फिर इस तरह के डर आपको कभी भी नहीं लगेंगे। ये डर क्यों लगते हैं,
क्योंकि हम हर बात के लिए खुद ही इज्जत पाना चाहते हैं। हमारा जो डर होता है ना, डर इस बात का नहीं होता कि मुझे कोई चीज नहीं आ रही है, डर इस बात का होता है कि लोग ये सोचेंगे कि मुझे ये चीज नहीं आ रही है। सपोज किसी ने मेरे सामने समस्या लाई या किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया और वो मुझे नहीं आता और मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ये मुझे नहीं आती है, मुझे उससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मुझे नहीं आता। आई एम फीलिंग इंसल्टेड, और इस वजह से वो डर हमारे बढ़ते चले जाते हैं जितने भी डर हमारे अंदर बढ़ते हैं। लेकिन अगर केवल इतनी सी बात हम याद रख लें कि कोई चीज ठीक है, कुछ बातों के जवाब मुझे आ गए हैं, कुछ के जवाब मुझे नहीं आ रहे हैं, तो मैं किसी से सीख सकता हूं, और जब मैं किसी से सीख सकता हूं तो डर किस बात का है बताओ आप। हाँ या ना, हर्षा मैम क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी जो मैं बताना चाहता हूँ? मतलब थोड़ा पेशेंस रख के और टाइम के साथ कई चीजें मतलब करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी क्या है आप बताओ। क्या इस धरती पे एक भी इंसान मुझे दिखा सकती हो जो सब कुछ ही कर सके और जो सब कुछ ही आता हो जिसको? कोई किसी क्षेत्र का मास्टर होता है, कोई किसी क्षेत्र का मास्टर होता है। इसीलिए भगवान ने संसार और संबंध बनाया ताकि संसार और संबंध के आधार पर हम एक दूसरे के पास जाकर कर्म फिलोसॉफी के अंतर्गत अपनी जरूरतों को उनसे पूरा कर सके और उनकी जरूरतों को हम पूरा कर सके। यही तो सामंजस्य है, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरी होगी। अगर इंडिविजुअलिटी से इंसान सब कुछ कर पाता तो वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब था? ठीक है जी श्वेता बहन, पहले आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। जब यूजुअली डर हमारे अंदर ऐसे होता है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमने डिसीजन ले लिया और उस पर एक्ट भी कर लिया एक दिन तक, लेकिन सेकंड डे उसके अपोजिट एक डर आता है कि डिसीजन गलत लिया है, मतलब ये गलत तो नहीं हो जाएगा, और फिर जो इमेजिनेशन शुरू होते हैं वो खत्म ही नहीं। यही तो ठीक करना है हमें, हम यही तो प्रैक्टिकलिटी से भाग रहे हैं, यही तो हमने अपने पुराने चीजों सीख लिया कि हमें गलती करनी नहीं चाहिए। हम सबके अंदर ये संस्कार डाल दिया गया बचपन से कि बस हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, हम जो कुछ करें वो ठीक ही होना चाहिए, हमसे कभी नुकसान नहीं होने चाहिए। इसीलिए हम लोग एवरेज, मिडिल क्लास, ऑर्डिनरी और कमजोर और गरीब रहते हैं। जितने भी लोग गलतियां करने से घबराते हैं वो दुनिया में कभी भी महान कर्म कर ही नहीं सकते, वे कभी भी महान व्यक्तित्व को हासिल कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप निर्णय लो, निर्णय लेके उस पर मेहनत शुरू करो। हाँ, ज्यादा ये कर सकते हो कि निर्णय लिया है, अगर आपको ये लगता है हल्का सा डाउट आता है, डर नहीं, अगर एक डाउट भी आता है तो एक प्रोफेशनल राय ले लो, सेकंड ओपिनियन ले लो। जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें कोई बुखार आ गया, कोई अजीब तरह की चीज हो गई, एक डॉक्टर से ओपिनियन ली तो दूसरे की भी तो ओपिनियन लेते हैं ना कि भैया दूसरी ओपिनियन और ले लो, हो सकता है कि कुछ चेंज आ जाए, उसे समझदारी कहते हैं। लेकिन डर डर के काम को करना उसे मूर्खता कहते हैं। देखिए, अगर आपको अपने निर्णय पर शक भी आ गया, वो आ सकता है कि भाई पता नहीं मैंने निर्णय ठीक लिया नहीं लिया, तो चेक करने के लिए प्रोफेशनल राय ले लो आगे बढ़ करके। वहां पे ये शो क्यों करने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं मैं यही दिखाऊंगा, मैं ही करके दिखाऊंगा चाहे मैं फेल हो जाऊं, ये समझना है। तो जो भी वो डर जो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ सफलता ही प्यारी है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही प्यारा है, मैं लॉस के लिए तैयार नहीं हूं। अब आप मुझे बताओ, एग्जांपल सोचो, अगर एडिसन हजारों बार फेल होने को तैयार नहीं होते तो क्या बल्ब का पेटेंट उनके नाम पर होता? आप बताओ। यहीं से एक बात से सीख लो कि अगर मैंने कोई निर्णय लिया, ठीक है गलत हो जाएगा तो हो जाएगा ना, मैं उसे फिर ठीक कर लूंगी दूसरी बार में, कुछ लॉस हो। देखिए मैं कैसे सीखता हूं, ये सब लोग लिख सकते हो, मैं हमेशा सीखता हूं कि यदि मेरे से कोई गलती हो गई है सो इट वॉज द फीस टू लर्न, वो मेरे लिए मेरी फीस थी जिससे मैंने कम से कम अब ये सीख लिया। मैं अगली बार फिर गलती होगी वो मेरी दूसरी फीस है, फिर मेरी तीसरी फीस है, और ये गारंटी है यदि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं, मेरी इंटेंशन राइट है, मैं अटेंटिव हूं, मैं वैल्यू बेस्ड काम कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली फल को तो मेरे सामने आना ही है प्रकट होकर के। क्लियर हुई श्वेता बहन बात? है ना, तो कभी भी डर नहीं रखना है, जो निर्णय लिया उसके लिए आगे बढ़ना।
जी पंकज बहन। ओम शांति भाई जी, अभी तक ज्ञान में हम ये समझते थे कि ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ और बाबा परमात्मा वो सब कुछ, लेकिन आज एक शब्द सुना आपसे मैंने कॉन्शियसली साइलेंस, जिसमें आपने कहा डीपली कनेक्ट विद द सेल्फ और पेनिट्रेशन करनी है, तो मेरा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मानो तो जैसे मैं कैट रैट का ही मतलब पूछ रही हूँ, इतना बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि हम खुद से क्या बात करें। ये कितना मामूली क्वेश्चन है कि पूछते हुए भी थोड़ी झिझक सी होती थी मुझे पहले भी सबसे, लेकिन आपने आज बड़ा हौसला दिया कि हमें कोई भी बात दूसरे से हम पूछ सकते हैं और हमें वाकई इज्जत का डर रहता है, और मैं भी नहीं पूछती थी किसी से भी कि क्योंकि खुद से क्या बात करनी है ये मुझे भी नहीं मालूम और शायद औरों को भी नहीं पता होगी, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस पर बताएं कोई एक तो उदाहरण के साथ। ठीक है, इसे बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट हो जाएगा पंकज जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ये लॉन्ग सब्जेक्ट है, हालांकि इसको थोड़ा बहुत मैं एक रूप से आपको बता देता हूँ। अपने से वो बातें करें जिन बातों से आप अपने ओरिजिनल सेल्फ के करीब जाएं, वो बातें करनी है, मतलब जिससे मैं अपने ओरिजिनल प्यार को जागृत कर सकूं, जिससे मैं अपने ओरिजिनल ज्ञान को जागृत कर सकूं, जिससे मैं भगवान के साथ के ओरिजिनल संबंध को जागृत कर सकूं, मतलब मैं अपने ओरिजिनल करीब पहुंचूं, मतलब मैं अपनी जो ये झूठी आइडेंटिटी, जैसे पंकज बहन आइडेंटिटी, पंकज बहन और पंकज रिलेटेड जो आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है, इससे दूर जा सकूं और जो मैं ओरिजिनल हूं उसे करीब जा सकूं, वो बातें क्रिएट करना सीखना है। बाकी इतना ही भी मैं लाइटर बताऊंगा, बाकी इसकी डिटेलिंग फिर कभी बताऊंगा, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। कोई भाई छोटा सा एक उदाहरण, बिल्कुल मामूली सा एक, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको ये सोचना चाहिए, जैसे आप एक अटैचमेंट और लव के गुण को ले लो, आप अपने आप से बातें करो कि मुझे सबके प्रति अटैचमेंट है या लव है, और उस चेकिंग को लिखती चली जाओ। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ, खुद से ऑनेस्ट रहना, ये नहीं जस्टिफाई करो, नहीं नहीं ये तो चलेगा, नहीं नहीं ये तो ऐसा होगा, नहीं, ओरिजिनल पे कुछ भी चलेगा नहीं, ओरिजिनल माना ओरिजिनल। तो आपको पूछना है कि अगर ये चलता होता, देखिए एक बात और बता दूं, आपके पास में कोई भी चीज तब चलेगी जब वो डिस्टर्ब ना करे। अब ध्यान समझना मेरी बात को, मैं गहराई पे जा रहा हूं, थोड़ा सा बहुत कॉन्सेंट्रेटली सुनो, जब पूछा ही है तो आपने, अगर मैं अटैच हूं किसी चीज से, लेट्स से, अब मैं कहूं नहीं नहीं रख रखाव का तो डर रखना पड़ेगा ना करके, सपोज फोन ये टूट ना जाए, अगर ये डर में कन्वर्ट हो रहा है कि गिर गया टूट गया तो क्या करके होगा, अगर ये क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब अटैचमेंट का मतलब इसे रख रखाव नहीं कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहेंगे और राइट वे नहीं कहेंगे, ये अटैचमेंट कहेंगे, अटैचमेंट कहेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो क्या है, ठीक है देखिए मेरे को प्रोटेक्शन करना था, सपोज मुझे ऐसे कवर पहनाना चाहिए कि हाँ जी कवर पहनना चाहिए, गिरता टूट जाता है, मैंने कवर पहना दिया, उसके अलावा मुझे कोशिश करनी है कि मैं संभाल के इसको रखूं जहां पे इसको रखना चाहिए सही तरीके से, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कहीं पे गिर के टूट जाता है, इट्स ओके, मैंने जो जिम्मेवारी निभा सकता था, जो सावधानी, जैसे मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं सावधानी रखूंगा कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, जो सावधानी बताई गई है, मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करूंगा, मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा, मैं इन लिमिट कार को चलाऊंगा, अपनी साइड चलूंगा, जो जो पॉसिबल और जो क्षमता है मेरे पास है वो करूंगा, लेकिन उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, आई डिडंट गेट डिस्टर्ब्ड, अब मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा नहीं अब एक्सीडेंट होगा तो डिस्टर्ब तो होंगे ही ना, दिस इज रॉन्ग। जब मैं ऐसे जस्टिफिकेशन को जस्टिफाई करना शुरू करता हूं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही ना, इसका मतलब मैं ओरिजिनल से दूर हूं, मैं अभी भी दुनिया भी अटैचमेंट में। तो ये बातें ऐसे करनी सीखनी होती हैं, ऐसे अपने माइंड को काउंसिल करना होता है कि मुझे किस स्थिति में कौन से थॉट को रखने से, एक बात लिख लो आप, बस एक ही लक्ष्य है, नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि आत्मा डिस्टर्ब होने के लिए नहीं है। अगर आप में कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी सिंगल डिस्टर्बेंस भी है, यू आर इन अटैचमेंट, यू आर इन एक्सपेक्टेशन, और अटैचमेंट भी झूठ है और एक्सपेक्टेशन भी झूठ है, क्योंकि आप इस संसार में आए हैं और आपको जाना है, और इस संसार की जिन चीजों को लेकर के भी आप कॉन्शियस हैं, वे चीजें ना आप लेके जा सकते हैं और ना आपने लेकर के आए हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है बस। धन्यवाद जी। विजय लक्ष्मी बहन कुछ पूछ रहे हैं, एंड्रेज
विजयलक्ष्मी बहन आप कुछ पूछ रहे हैं? हाथ उठाया हुआ है विजयलक्ष्मी बहन ने। चलिए बिंदु बहन आप बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बस मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज का सेशन। अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये ऐसे कल के संदर्भ में था जी, क्रोध को लेकर के मेरा थोड़ा सा एक डाउट है, वो मैं आपसे चाहता हूँ कि क्लैरिटी मेरे को मिले, मार्गदर्शन कीजिएगा जी। जैसे कि मैंने एक संकल्प किया है कि मेरे को क्रोध नहीं करना, जो भी सिचुएशन आए चाहे वो फेवरेबल है चाहे वो अनफेवरेबल है। अब मैंने पिछले 7-8 दिन से इंप्लीमेंट भी किया और अपने आप में बड़ी एक शांति फील करी और काम करने का एक प्रोडक्टिविटी दुगनी हो गई। सुबह का अमृत वेला भी किया और जो जो आप बताते जा रहे हैं वैसे करते जा रहे हैं। अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ ऐसा हुआ कि कोई सबॉर्डिनेट ने काम नहीं किया और उसको काफी टाइम से हम फॉलोअप कर रहे थे और वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा, तो बीइंग ए सीनियर गाइडेंस भी जरूरी है जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में उस क्रोध को हम किस सेंस में ले? वो एक थोड़ी सी एक दुविधा है या एक डायलेमा है जिसको हम समझ। दो चीजें होती है, एक शब्द होता है क्रोध, एक शब्द होता है अधिकार, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है, दो चीजें बिल्कुल अलग अलग। मुझे जब मैं क्रोध करूंगा तो आई फील डिस्टर्बेंस विद इन, मुझे अंदर में डिस्टर्बेंस फील होगी। जब मैं अधिकार का पालन करूंगा, लॉ का पालन करूंगा, नियम का पालन करूंगा, थोड़ा कठोरता का पालन करूंगा, वहां मैं अंदर से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा क्योंकि मैं किसी के प्रति असभ्य नहीं होऊंगा। जैसे आप अपने साथी के साथ में जो भी कार्यवाही कर सकते हैं कानून के अंतर्गत, मतलब जो भी लॉज हैं उनके अंतर्गत वो आप करें, चेतावनी देनी है चेतावनी दें, उनको कोई अल्टीमेटम देना है कोई नोटिस देना है कोई रिटर्न उनको चीजें देनी है दे, उनका यहां तक की भी कार्यवाही करनी है, अगर नौकरी से निकालना पड़ता है तो निकालें विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब और बिना ये सोचे हुए कि आप उसका बुरा करना चाहते हो। आपको अपनी इंटेंशन चेक करनी पड़ेगी। ज्ञान जो है ये इंटेंशन का है, लोग एक्शन का बना देते हैं, एक्शन नहीं इंटेंशन चेक करो। क्या आपने उससे अंदर में दुश्मनी थी इसलिए नोटिस दिए? क्या आपको अंदर में उसकी बातें बातों के प्रति कुछ पक्षपात था इसलिए आपने उसके प्रति कोई कार्यवाही की? या आपके दिल में तो प्यार था सम्मान था, आप उसका उद्धार चाहते थे, आप उसे पहले चेतावनियां दी समझाया, उसकी मदद करने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया, अकेले में भी समझाया, जो प्रयास आप कर सकते थे आपने किए, लेकिन उन प्रयासों के बाद भी सामने वाला व्यक्ति उसको नहीं अपनाता, तो एज ए जिम्मेदारी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब आप वहां पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो केवल आपका वर्क नहीं है। और अगर आप किसी एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी गलत व्यक्ति को समझानी देने के बाद भी वो ना समझे और फिर भी आप उसे टॉलरेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा हर कोई, तो आप असभ्यता और गंदगी को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों के निठल्ले निकम्मेपन नालायकपन को बढ़ावा देते हैं और ऐसा करके हम समाज को गंदा करते हैं। इसीलिए परमात्मा एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कीप बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ। बिना लॉ के किया गया लव अटैचमेंट का शिकार हो जाएगा जो पश्चाताप लाएगा। तो इसीलिए बस आपको ये चेक करना है, अगर गलती वो करा तो डिस्टर्ब मैं क्यों हूं? मुझे कूल रहना है, मुझे क्रिएटिव रहना है, मुझे कोई कार्रवाई करनी है पेपर कार्रवाई करनी है, मैं उसे सपोर्ट करूंगा। अच्छा तू मेरे को बता तेरे को क्या कमी हो रही है, कोई क्षमता तेरे में नहीं है, मैं तुझे सिखाता हूं, चल जो काम मुझे सिखाना पड़ेगा आई विल हेल्प यू, मैं तुझे मदद करूंगा। उसके बाद भी वो ना करे तो आपकी कहां गलती है? इतना भी पाप नहीं होगा आपका। हमारे संस्था के अंदर हमारे दादियां हैं, अब कोई वहां पे समर्पित भाई बहन है, अगर समर्पित भाई बहन ने कोई गलती कर दी 1 मिनट में बाहर कर देते हैं संस्था से, तो क्या वो गुस्सा दिखा रहे हैं उसके प्रति? नहीं, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है और उसके तालाब गंदा करने से पूरा बदनाम हो सकता है। यह इतने सब लोग जहां गुणों की शिक्षा पाने आ रहे हैं वहां पे कोई समर्पण ऐसा करेगा तो कैसे रखा जाएगा? इसे क्रोध नहीं कहेंगे, इसे न्याय कहेंगे। ठीक है, ये थैंक यू बाजी, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू सो मच। ठीक है,
अभी मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा, हालांकि ये लंबा सेशन जाएगा, अभी बहुत लंबा जाएगा। 7 steps to silencing the mind लिख लो आप, ये 7 steps होते हैं। जिसने भी इन 7 step की तपस्या कर ली वो शांति के गुण को पूरा पा लेगा। लिख लो आप ये 7 steps, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 steps, फर्स्ट स्टेप लिख लो आप, क्योंकि मैं बोर्ड पे जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगता रहता है लिखने में। पहला स्टेप है लिसनिंग, इंक्रीज द आर्ट ऑफ लिसनिंग, हियरिंग नहीं, लिसनिंग, सुनना है ध्यान से, अटेंटिव हियरिंग। और किसको सुनना है? खुद को, अंदर सुनना है, मेरा अंतःकरण मुझसे क्या बातें करता है, मेरा इनर मुझसे क्या कहना चाहता है। याद रखना, जब आप शांत होंगे तभी आपका अंतःकरण आपसे कुछ बातें करेगा, वो कुछ कुछ आपसे कहेगा, उसको लिखना सीखें, लिसनिंग। सेकंड, रिफ्लेक्शन। ये सारे बहुत गहरे पॉइंट हैं, ये 7 पॉइंटों पर बहुत गहरी क्लास होगी आप सबकी, एक एक पॉइंट के ऊपर। इन सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको मेडिटेशन में। ये 7 step मेडिटेशन भी होता है टू इंक्रीज द साइलेंस, मैं आपको इस 7 step का मेडिटेशन भी करवाऊंगा सभी लोगों को, ये बहुत पावरफुल चीज है। सेकंड है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब है उसके ऊपर और विचार करना बेसिकली उसका, और बेसिकली मैं इसको ऐसा मान के चलता हूँ विचार सागर मंथन करना, है ना, अच्छे से इसको गहराई से और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करना। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्र हो जाना। जब तक आप खुद को अंदर से सुनेंगे नहीं, उस पर मंथन करेंगे नहीं, तो आपकी जो स्टेज है, याद रखना पहली स्टेज होती है, हमेशा याद रखना इस बात को, मनन की स्टेज, दूसरी होती है मंथन की स्टेज, तीसरी होती है मगन की स्टेज। सो पहले मनन से शुरू करोगे, मंथन से शुरू करोगे, मनन से मंथन, मंथन से मगन, और मगन अवस्था जो होती है वही आपको निर्विघ्न बनाती है, इसको समझना होगा। तो ये आपका आएगा कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन को समझने से, एकाग्रता की शक्ति को समझने से कनेक्शन राइट होगा आपका, देन यू कैन कनेक्ट विद द सेल्फ एंड गॉड, यानी कि यू विल कनेक्ट विद द अल्टीमेट। लिख लो आप, यू कैन कनेक्ट विद द अल्टीमेट, और अल्टीमेट दो ही चीजें हैं, यू एंड गॉड, इन दो के अलावा कोई अल्टीमेट नहीं है। ये आपका चौथा स्टेप रहेगा टू रीच साइलेंस। आप देखना कमाल का साइलेंस क्रिएट होगा आपके अंदर, मैं ऐसी स्थिति बनवाऊंगा इसके बाद में, अगली क्लास जब होगी जब हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्शन होगा तुरंत एक चीज स्टार्ट हो जाएगी आपके अंदर, एब्जॉर्प्शन। आप देखो कोई भी बैटरी तब चार्ज होती है जब पहले कनेक्शन हो जाता है, हाँ या ना, तब वो बैटरी भरती है। अगर बैटरी खाली हो जाती है तो जब कनेक्शन होता तभी बैटरी भरती है ना, तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। गॉड से कनेक्शन, सेल्फ एंड गॉड से कनेक्शन होते ही आप भरने शुरू हो जाएंगे, आप उसकी शक्तियों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, ये मेडिटेटिव हाईएस्ट स्टेज होती है। इसके बाद फिलिंग, फिलिंग यानी कि भरना शुरू हो गए एब्जॉर्प्शन के बाद। और सातवां, इसको इंक्रीज करने के लिए 7th step होता है डोनेशन। अब आपको डोनेट करना होगा उसको। जब आप इन 7 step की तपस्या करोगे तब आप कंप्लीट साइलेंस को पाओगे, जो एग्जैक्टली स्पिरिचुअल साइलेंस है, स्पिरिचुअल साइलेंस, अध्यात्म का साइलेंस, खाली फिजिकल साइलेंस नहीं। 6th step इज फिलिंग, फिलिंग FILING, फिलिंग, भरना, भरपूर होना। 6th step, समझ आया सबको मेरी बात, क्लियर हुई है? ठीक है जी, चलिए ओम शांति। 7 step में सोचना आप, यह तो बहुत गहरी चीज, लेकिन हम बाद में करेंगे। कमाल है आप सब लोग, क्या लिखते हो भाई, 7 step पूरे हो चुके हैं फिर भी लिख रहे हैं, 6 हैं, किसी का 1 मिस है। पहला स्टेप है लिसनिंग, दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्शन, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन, चौथा है कनेक्शन, पांचवा है एब्जॉर्प्शन, छठा है फिलिंग, और सातवा है क्या, डोनेशन।
देना दाता पर। अच्छा हमारे यहाँ क्या करते हैं, सब मनसा सेवा करते हैं, मनसा शांतिकरण। पहले 6 स्टेप है ही नहीं उनकी जिंदगी में, बस डोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं जी, हम शांति का दान देते। अरे दोगे तो तब जब पहले 6 स्टेप को जानते होगे। कभी आज तक सुना नहीं, खुद को अंदर से रिफ्लेक्शन किया नहीं, कॉन्सेंट्रेशन राइट की नहीं, कनेक्शन हुआ नहीं, एब्जॉर्ब एंड फीलिंग हुई नहीं, दान कर रहे हैं और दान करके खुद ही खाली हो रहे हैं, क्योंकि खुद के अंदर है होगा तो दान करेंगे ना। सही बात है कि नहीं, सब यहाँ योग में दान ही करते हैं बस। ओम शांति। एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठते, महसूस करें इस बात को अंदर से, अपने आप की सुनो अंदर बैठ के ना, एक मिनट के लिए सुनो आप अपने आप को, अब क्या चल रहा है आपके मन में, गहराई से देखो अंदर क्या चल रहा है। सब कुछ को शांत करते जाएं, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है, पूछो अपने से क्या वो मुझ आत्मा से कनेक्टेड है या मेरे रोल से कनेक्टेड है। ये रोल तो बदलना है। I am not the role, I am a soul. ध्यान से देखें अपने को, अपने अंदर की हर आवाज को सुने, जो जरूरी नहीं है उसे हटाते जाए। जो सेल्फ एंड गॉड से रिलेटेड है उसे रोकते जाए। रोम रोम को शांत होता हुआ महसूस करें, पूरी बॉडी जैसे रिलैक्स शांत हो गई है, कोई हलचल। Oh.